दिल्ली से सटे नोएडा में अब आईटी सेक्टर के 200 इंजीनियर्स को रोजगार का मौका मिलेगा, साथ ही उन्हें भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल नोएडा में आईटी बाय डिजाइन यानी आईटीबीडी नाम की एक वैश्विक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का दफ्तर खुल गया है। आईटीबीडी के नए कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने किया। कंपनी के संचालकों का दावा है कि इससे करीब 200 इंजीनियर्स को रोजगार का मौका मिलेगा, जबकि 500 को पेड इंटर्नशिप पर रखा जाएगा। आईटीबीडी न्यूयॉर्क बेस्ड एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका भारत में विस्तार किया जा रहा है। ये भी बता दें आपको कि कंपनी के सीईओ सनी कालिया उस समूह में शामिल थे जिन्हें जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में आयोजित सीईओ के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। बधाई देना चाहूंगा सुखविंदर को और कमलजीत जी को कि उन्होंने आईटी बाय डिजाइन इनकी कंपनी जो न्यूयॉर्क में है, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और वो अब अपना काम को और विस्तार करने के लिए किसी और देश नहीं भारत आए हैं। तो एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जो ब्रेन ड्रेन कई सालों पहले हुआ था अब वो वापस यहां हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं। मेरी इन सबको और जितने भी आईटी बाय डिजाइन में काम करते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई।